सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के परोंठे। ये चार मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। इसके अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन, तीन चार मिर्ची लिए, दो प्याज लिए काट के, थोड़ा सा पुदीना लिया है। ये मैंने आटा गूंद लिया है, जो नॉर्मल आटा फुलके पकाने के लिए लेते हैं उनसे थोड़ा सा हार्ड रखा है आलू के परोंठे बनाने के लिए। अब इन आलू को हम सील के अभी मैश करेंगे। अभी हम इनको मैश कर लेंगे आलू। अभी इसके अंदर अजवाइन डालेंगे, थोड़ी सी मसल के, स्वाद अच्छा आता है और पेट के लिए भी अच्छी होती है, खराब नहीं। और नमक डालेंगे एक चम्मच, मिर्ची डाल दी तीन चार। अभी पुदीना डालेंगे काट के, इसके साथ पेट अच्छा रहता है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसके अंदर हमने डाल दिए दो प्याज काट के। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब परोठा बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पेड़ा ले लिया आटे का, अभी इसको हम बेल लेते हैं। अभी इसमें आलू भर लेते हैं। अभी अच्छे से बंद कर लिए, प्रेस करना, खुल लेना, अच्छे से बंद करना। ऐसे करने से आलू पूरी तरह फैल जाता है, अच्छे से फैल। अभी आलू का परोंठा तैयार है। हम इसके ऊपर घी डालेंगे, घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी दूसरी साइड भी डाल देते हैं। हमारा परोठा बन के तैयार है, बिल्कुल क्रंची बना है, बहुत अच्छा है। आप इसको दही, चाय, अचार के साथ खा सकते हैं। अब हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें और नई नई रेसिपियां बनाएं।